हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NIOS की सर्विस में हम टीचर को वेरीफाई कैसे करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि CSE में अभी अभी एक NIOS की सर्विस ऐड हुई है, जिसमें हमें 15 नवंबर से पहले पहले काम करना है, जिसमें हमें एक एंट्री करने पर 44 रुपये का कमीशन मिल रहा है। पर कई भी यदि भाइयों को टीचर वेरीफाई करने पर कई प्रॉब्लम आ रही हैं, उनसे ये वेरीफाई नहीं हो रहा, तो उनके लिए मैं ये खास वीडियो बना रहा हूँ कि वो देख सके कि हमें टीचर को वेरीफाई कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूँगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे CSE अकेडमी की साइट में, जहाँ पर हमें टीचर को वेरीफाई करना है। अगर आपको नहीं पता कि हम CSE अकेडमी की साइट तक कैसे पहुंचेंगे, तो इससे रिलेटेड मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है, जिसे आप देख कर पहुंच सकते हैं। उस साइट का उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और वीडियो के एंड में भी वो वीडियो मैं डाल दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके सीधा उस वीडियो तक पहुँच सकते हो। वो वीडियो देख कर आप देख सकते हैं कि हम CSE अकेडमी की साइट तक कैसे जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि हम इस साइट में आने के बाद टीचर को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो अब मेन बात आती है, पहले तो जहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ इस साइड में आने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको सभी उस डिस्ट्रिक्ट के सभी टीचर दिखाई दे जाएंगे जिन्होंने NIOS में फॉर्म को अप्लाई किया था। फिर उसके बाद आपको सर्च बार में आना है, जहाँ पर जा तो आपको सर्च बार में टीचर का नेम सर्च करना है, या स्कूल नेम सर्च करना है, या मोबाइल नंबर, या ईमेल आईडी, इन चारों में से एक चीज़ सर्च कर टीचर को सर्च करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। जब आपको टीचर मिल जाए, यानी कि मैंने अभी सर्च किया हुआ है सिमरजीत कौर, तो मुझे एक टीचर जहाँ पर दिखाई दे गए हैं मेरे सिमरजीत कौर, जो मेरे पास वेरीफाई करवाने आए हुए हैं। सिमरजीत कौर, GPS बाजीगर, बस्ती बहुआ। तो आज मैं इस टीचर को वेरीफाई करके दिखाऊंगा आपको। तो सिंपली अब हम स्टार्ट वेरीफाइंग पर क्लिक कर देंगे। तो जहाँ पर हमसे सबसे पहले मांगेगा रेफरेंस नंबर। कई भी अली भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा। तो ये बता दें कि जब टीचर ने NIOS का फॉर्म फिल किया था, तब उसे फॉर्म में ही ये रेफरेंस नंबर मिला होगा, वहीं से आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको टीचर के पास ही ये रेफरेंस नंबर मिलेगा। कई भी अली भाई बार बार पूछ रहे हैं कि हमें रेफरेंस नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको ये रेफरेंस नंबर टीचर के पास ही मिलेगा। तो चलिए, अब रेफरेंस नंबर हमने फिल कर दिया है, तो हम इसे वेरीफाई कर देते हैं। तब जब आप फिल कर दोगे तो आपका ये रेफरेंस नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर। जो टीचर का मोबाइल नंबर है उसको वहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए, अब हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, तो मोबाइल भी हमारा वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। अब हमसे मांगे स्टूडेंट की ईमेल आईडी, स्टूडेंट मतलब टीचर की ईमेल आईडी। तो अब हम टीचर की ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो आप सिंपली अब वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी ईमेल आईडी भी वेरीफाई होगी। तो देखिए, आपने सिर्फ ये 3 स्टेप करने हैं, जिसके बाद आपका टीचर वेरीफाई हो जाएगा और आपको कुल मिलाकर 44 रुपये मिल जाएंगे इन 3 काम के। आपको कुछ नहीं करना, या तो आपको टीचर के पास जाना है, या टीचर आपके पास आएंगे, आपको उन टीचरों को वेरीफाई करना है, उनसे रेफरेंस नंबर लेना है, उनसे मोबाइल नंबर लेना है, और उनसे उनकी ईमेल आईडी लेनी है। ये 3ों चीज़ें फिल कर आप टीचर को वेरीफाई कर दोगे, तो आपको CSE की तरफ से 44 रुपये मिल जाएंगे। एक बात तो बता दूं कि आपको टीचर से 1 रुपया भी नहीं लेना, आपको CSE 44 रुपये दे रही है इसी कारण, जिस कारण आपको टीचर से 1 रुपया भी नहीं लेना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा जानकारी भी पसंद आई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि आप NIOS में टीचर को वेरीफाई कैसे करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी हर दिक्कत को दूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अली भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।